ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम नोट पढ़ते हैं। जो फिक्स पॉइंट वो था ना जहाँ से आपका डिस्टेंस वगैरह मेजर कर रहे थे और एक्सेलरेशन की तरफ टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन में ली जा रही थी, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं और ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और द मेन पोजीशन बोलते हैं या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। और इन दिस पोजीशन द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, सो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। नाउ वी हैव एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, सो इट इज़ क्लियर दैट एफ इज़ नेगेटिव एंड एक्स इज़ पॉजिटिव, एंड एफ इज़ पॉजिटिव एंड एक्स इज़ नेगेटिव, मतलब उल्टा साइन होता है दोनों में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ओ की तरफ डायरेक्ट होती है और जो पार्टिकल होता है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो दस इन बोथ केसेज एक्सेलरेशन एंड द फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन, सच अ फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होगा बेटा, जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट साइन देगी ना एक्स की कंपैरेटिवली, तो जो एक्सेलरेशन होगा और जो फोर्स होगा वो क्या कर रहा होगा, वो आपके बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज़ ओ पर लाने की कोशिश करेगी, हैंड फोर्स को बुलाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। व्हेन द पार्टिकल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओ, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ए वन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वन पी, दैट इज इट इज़ न्यू ओ पी, ठीक है। सो इस केस में ओ पी नेगेटिव बन जाएगा ना, क्योंकि देखो डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड से फिर लोगे ना, इस बार तो चलो जो पार्टिकल है वो मूव तो चलो इसी तरफ करेगा, एक्सेलरेशन की तरफ ही करेगा, बट जो डिस्टेंस है मान लो ये पी यहाँ पर है, तो जो ये है डिस्टेंस है इट इज़ पी ओ, ओ पी की जगह पी ओ है, अगर ओ पी एक्स है तो पी ओ इज़ माइनस एक्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस माइनस एक्स आ जाएगा, अल्टीमेटली वो माइनस म्यू एक्स माइनस आ ही जाएगा, हैंस द सेम इक्वेशन दैट होल्ड ऑन द राइट साइड ये लेफ्ट साइड पर भी होल्ड करती है। सो द पॉइंट्स ए एंड ए वन जो आपके दो पॉइंट्स आए हैं ना, उनको एक्सट्रीम पोजिशंस बोलते हैं या पोजिशंस ऑफ रेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर जाके आपकी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। वो जो डिस्टेंसेज हैं राइट साइड वाला है एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट साइड वाला है माइनस ए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना डिस्टेंस उसने मैक्सिमम ट्रैवल करा ना, एक एक साइड पर, इस साइड पर जाके उसने ए ट्रैवल करा था, इस साइड पर जाके उसने माइनस ए ट्रैवल करा था, मैग्नीट्यूड लेंगे उसका तो सिर्फ ए ही बनेगा ना, तो वो एम्पलीट्यूड है एस एच एम का। v इतना आया शोज दैट द पार्टिकल हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटीज एट द पॉइंट अकॉर्डिंग एट इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ओ टू ए और इन द डायरेक्शन ए टू ए, ए टू ओ, ठीक है ना। तो प्लस माइनस सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो ओ टू ए जा रहा है तो प्लस साइन, और अगर वो ए टू ओ जा रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज़ क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर वी इज़ मैक्सिमम एंड एक्स इज लीस्ट, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इनके बीच में उल्टा रिलेशन है, जितना बड़ा एक्स होगा उतना ही छोटा वी होगा। अब वी को मैक्सिमाइज करना है तो एक्स को मिनिमाइज करोगे, एक्स को आप स्मॉल लोगे दैट इज लीस्ट लोगे दैट इज़ ज़ीरो लोगे। तो अगर एक्स ज़ीरो है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, दैट इज रूट म्यू ए आ जाएगा, विच अकर्स एट द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पर होती है, मीन पोजिशन पर क्योंकि आपका एक्स ज़ीरो होता है ना। तो और मिनिमम कब होगी, जब एक्स का जो वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, दैट इज़ ए या माइनस ए पर, वो किस पोजिशन पर होती है एक्सट्रीम पोजिशन पर। सो देयरफॉर द पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू ए एट ओ एंड मिनिमम वेलोसिटी ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन ए एंड ए वन। सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशंस, वी हैव एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, एक्सेलरेशन इन इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज ए और माइनस ए, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऑब्वियसली जब ये मैक्सिमम होगा तो एफ मैक्सिमम होगा, और ये एक्सट्रीम पोजिशंस पर ही मैक्सिमम होगा, ए और माइनस ए पर ही मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम तब होगा जब एक्स मिनिमम होगा, एक्स मिनिमम कहाँ होगा ज़ीरो पर, तो जब एक्स को ज़ीरो पुट कर देंगे तो एफ भी आपका मिनिमम आ जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, किस तरह का मोशन वो कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट इन द लाइन ए वन ओ ए, जो फिक्स पॉइंट है, जो मीन पोजिशन वाला पॉइंट है वो ओ है, और पी डिनोट द पार्टिकल आफ्टर द टाइम टी फ्रॉम ओ मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द पोजिशन डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। तो पार्टिकल आपका इस तरफ को मूव कर रहा है, पहले इनिशली ए की तरफ मूव कर रहा है, और P आपके पार्टिकल की पोजीशन है, और O से उसका डिस्टेंस मान लो x है, और A जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन है वो डिस्टेंस स्मॉल a है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ गिव्स इट गिव्स द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम ओ, इनिशियली जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, जब उसने मोशन शुरू किया, वेलोसिटी उस केस पर मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी, ठीक है, रूट म्यू ए होगी। एज द पार्टिकल
जब प्रोसीड करेगा ए की तरफ पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन क्योंकि ओ की तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। फिर जब पार्टिकल मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू ए पर पहुंच जाएगा तो उस केस पर आपकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी और पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी टुवर्ड्स ओ है तो पार्टिकल क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, दैट इज़ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और जब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ करने की बजाय वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स डिक्रीज़ करना शुरू हो गया, एक्स डिक्रीज़ करेगा तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी और फिर जैसे जैसे एक्स मिनिमम हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एक्स मिनिमम होगा मतलब एक्स मिनिमम कहाँ पर होगा, ओ पर जाके होगा, तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी। ड्यू टू दिस वेलोसिटी द पार्टिकल प्रोसीड्स फर्दर टू द नेगेटिव साइड ऑफ ई। अब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है तो इसी वेलोसिटी के कारण वो कंटिन्यू करेगा अपना मोशन को और वो नेगेटिव साइड ऑफ ओ में जाएगा, और नेगेटिव साइड में जब जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी वो नेगेटिव में ही रहेगी एंड इट विल डिक्रीज ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होते होते अगेन वो रेस्ट पर चला जाएगा और इस पॉइंट पे आके वो रेस्ट पे आ जाएगा। फिर वो वापस अपना पोजीशन, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ओ, फिर ऐसे सेम वापस वो ए वन से ओ पर आ जाएगा और उसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी विद पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मतलब देखो अगर मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊँ तो ओ से पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया, ठीक है, ओ से वो ए की तरफ गया विद पॉजिटिव वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी पर डिक्रीज होना शुरू हो गई एज एक्स इंक्रीजेस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ है तो अल्टीमेटली डिक्रीज होती होती वो जीरो पर पहुंच जाएगी जब वो ए पर पहुंचेगी। फिर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा और वो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम बन जाएगी ओ पर, ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगा। फिर कंटिन्यू करेगा डायरेक्शन इसी में और नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा और नेगेटिव वेलोसिटी जाते जाते फिर मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होती होती ए वन पर जीरो आ जाएगी। फिर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वो ओ की तरफ आना शुरू करेगा, ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। तो ए से पहले ओ से वो ए पे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। सो दिस इज़ बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं। द पार्टिकल इज सेट टू हैव द पीरियोडिक मोशन व्हेन इट मूव्स इन अ सच अ मैनर दैट आफ्टर अ फिक्स्ड सर्टन पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। सो पीरियोडिक मोशन, हमने जैसे पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े हैं ना कि सेम वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर सच अ फिक्स्ड इंटरवल, जैसे पाई बाय टू अगर किसी का पीरियड हो तो पाई बाय टू, एवरी पाई बाय टू वैल्यू रिपीट होती है, तो काइंड ऑफ उससे रिलेट करके समझे। पीरियोडिक मोशन मतलब फिक्स टाइम के बाद, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पार्टिकल अगर सेम पोजीशन ले रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी तो हम कहेंगे वो पीरियोडिक मोशन में है। द फिक्स्ड मिनिमल इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद वो मोशन रिपीट कर रहा है उसको उसका वो उसका पीरियड बन गया, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है, ये आपको प्रूव करना है, और उसका पीरियड होता है 2π/√μ, ठीक है। लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड वी उसकी वेलोसिटी मान लो आप, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज ओ पॉइंट। और क्योंकि यहाँ पर हम टाइम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर तो इट मींस हम एक्सप्रेशन लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी, और अगर हम टाइम लिया होता फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन तो हमारा एक्स आ जाता इज इक्वल टू ए कॉस, यहाँ पर साइन की फॉर्म में लेंगे। यहाँ से आप वेलोसिटी देख लें, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वी इज इक्वल टू, उसको डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स डी एक्स बाई डी टी वी होता है इज इक्वल टू ए साइन का बन गया कॉस, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रूट म्यू साथ में आ जाएगा। नाउ वी नो दैट साइन एंड कॉस आर पीरियोडिक फंक्शंस थीटा विद ऑफ थीटा विद पीरियड 2π, दैट इज टू से दैट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस थीटा जो है रिपीट होगी आफ्टर एवरी टू पाई के बाद रिपीट होगी ना। सो इट मीन्स एक्स एंड वी की जो वैल्यू है वो भी रिपीट होगी जब उसका थीटा ये है यहाँ पर, जब उसका थीटा 2π से रिप्लेस मतलब 2π उसमें इंक्रीज कर दो गया, तो मतलब इसमें जब आप 2π इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इट इज़ इंक्रीज बाय 2π, और या फिर टी को इंक्रीज करोगे आप 2π/√μ के साथ, इसको इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, अकेले टी को करना है तो 2π/√μ से इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मतलब आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π/√μ सेम पोजीशन और सेम वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव करेगा और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, हैंस जो मोशन है पीरियोडिक है और उसका पीरियड कितना है 2π/√μ।
सिंस द पीरियोडिक टाइम इज 2π/√μ, सो देयरफॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड. इसमें एम्पलीट्यूड नहीं आया ना. सो जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जो पीरियड है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने उसने ऑसिलेशंस कंप्लीट वाले लिए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. इफ एन डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी एंड डी इज द पीरियोडिक टाइम, देन एन टी इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 1/T. टी है आपका पीरियोडिक टाइम, कितना पीरियोडिक टाइम है. ठीक है, पीरियोडिक टाइम मतलब कितना उसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाया. और फ्रीक्वेंसी होती है भी उसने 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए. तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम है, ये है कितने ऑसिलेशंस उसने करे. तो मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल टाइम कितना चाहिए आपको, 1 सेकेंड चाहिए ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में 1 सेकेंड में आपने काउंट करना होता है. तो एन कितना बन गया, 1/T. और टी की वैल्यू पुट कर दो पीछे से, 2π/√μ आई थी, तो यहाँ पर 1/T है, तो 1/T इज इक्वल टू √μ/2π. इट शुड बी नोटेड दैट द फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम. ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव करवा दिए हैं, इन्होंने रिजल्ट्स को दोबारा से टैबलेट कर दिया, आप एक बार पढ़ लेना. एग्जाम्पल 1 में द पार्टिकल मूविंग विद SHM ऑफ पीरियड 30 सेकेंड्स ट्रेवल्स 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन 5 सेकेंड्स. पोजिशन ऑफ रेस्ट होती है आपकी एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है ना. तो 30 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल कर रहा है 15 सेंटीमीटर, और कहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन मेजर कर रहे हैं, और टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड्स. फाइंड एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड. सबसे पहले तो टी आपको 30 सेकेंड दिया हुआ है, पीरियड आपको 30 सेकेंड दिया ना. सो 2π/√μ इज 30. रूट म्यू की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल लोगे. ए एम्पलीट्यूड है आपका, सो टी इज इक्वल टू 5. 5 सेकेंड्स में निकालना है ना आपको. सो आपका एक्स कितना है, ए माइनस 15, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 15 ट्रेवल्स कर रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन 5 सेकेंड्स. तो ये आपका ओ है, ये आपका पोजिशन ऑफ रेस्ट होता है, ये टोटल ए होता है ना, दिस इज ए. यहाँ से 15 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, तो ओ से उसका कितना डिस्टेंस हुआ. इफ़ टोटल इज ए, 15 माइनस कर दो, ए माइनस 15 सेंटीमीटर हुआ ना. एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हुई, ए माइनस 15. अब यहाँ पर हम टाइम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम ए, तो एक्सप्रेशन लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी. यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए माइनस 15 पुट कर दो आप, इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, दैट इज एम्पलीट्यूड निकल जाएगा. फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी इज रूट म्यू ए, सो ए की वैल्यू पुट कर दो 30, रूट म्यू की वैल्यू π/15, सॉल्व कर लो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी. ठीक है बच्चे, यहाँ से आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से आप एक्स की वैल्यू पुट करके और ए की वैल्यू पुट करके, सारी वैल्यूज पुट करके वी की वैल्यू निकाल सकते हो. इन्होंने कहा था ना ये निकालना है आपको, एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, दूसरा आपको निकालना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स के एंड पर आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो मतलब आप यहाँ पर ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हो, इट इज़ वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स. सिमिलरली अगर आपने एक्स, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, एक्स अगर इतना है, dx/dt निकल गया, टी 5 सेकेंड लो, ये वी है, टी को 5 पुट करो, ये आपका आ गया वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स.